पाकिस्तान से आ रही हवाओं और कुछ रोज पहले हुई बारिश ने मौसम में ठंडक घोल दी है। उत्तर प्रदेश में भी कड़ाके की ठंड होने की वजह से मध्य प्रदेश में इसका असर हो रहा है। एक नया सिस्टम मंगलवार से एक्टिव हो सकता है। दिन में अभी 2-3 दिन इसी तरह ठंडक बनी रहेगी। शहरों में रात का पारा 10 डिग्री से नीचे लुढ़क गया है। सीजन में यह पहली बार है जब प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान 1 डिजिट में आ गया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मिलने का समय मांगा है। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कहा है कि 1 माह से मिलने का समय मांग रहा हूं, पर अभी तक नहीं दिया गया है। उन्होंने इस पत्र में चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 20 जनवरी तक समय देने का निर्णय नहीं लिया गया तो वे किसानों के साथ सीएम हाउस पर धरने में बैठेंगे। दिग्विजय सिंह ने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में लिखा है कि टेम और सुठालिया सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भोपाल, राजगढ़, विदिशा और गुना जिले के किसानों की हजारों एकड़ भूमि डूब में आ रही है। प्रभावित परिवारों को बहुत कम मुआवजा दिया जा रहा है, इसका किसानों द्वारा विरोध किया जा रहा है। राज्यपाल मंगूभाई पटेल सोमवार सुबह इंदौर पहुंचे। यहां उनकी अगवानी सांसद शंकर लालवानी, विधायक मालिनी गोड़ और अन्य ने की। सिंधी समाज द्वारा हर साल 15 से 17 जनवरी तक स्वामी प्रीतम दास जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है। सोमवार को कार्यक्रम का आखिरी दिन, जिसमें शिरकत करने के लिए महामहिम इंदौर पहुंचे हैं। प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के 20 दिनों में ही रीजन कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। इसकी शुरुआत उज्जैन से हुई है। इस बात की पुष्टि स्वास्थ्य मंत्रालय की कोविड टेस्ट पॉजिटिविटी की मौजूदा साप्ताहिक रिपोर्ट में हुई है। इसके मुताबिक उज्जैन में हर 100 सैंपल में से 40 पॉजिटिव केस मिल रहे हैं। ईएमएस टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, साथ ही ईएमएस न्यूज ऐप डाउनलोड करें।